अब वैसे छात्र जो सोचते थे कि बीपीएससी जैसी परीक्षाओं को वो तुक्का मारते हुए पास कर सकते हैं, अब उन छात्राओं की चाहत अधूरी रहने वाली है, क्योंकि अब तुक्का मारना भी उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। इतना भारी कि उनके नंबर निगेटिव में भी आ सकते हैं। बता दें कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग एक बार फिर नया प्रयोग करने जा रहा है। बीपीएससी के द्वारा यह प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि अब प्रश्न पत्र लीक ना हो सके और साथ ही बच्चों को भी थोड़ी सुविधा मिल सके। इसके साथ ही एग्जाम के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव को बीपीएससी की 68वीं परीक्षा से लागू किया जाएगा। अब 68वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न नए तरह से तैयार किए जाएंगे और साथ ही अब निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। अगर पहले की बात करें तो पहले छात्र सभी प्रश्नों के जवाब तुक्का मार के दे देते थे, लेकिन अब अगली बार से छात्रों के लिए ये कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से अब उनके मार्क्स को काटे भी जा सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी की परीक्षा में अब दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पूछे जाने वाले 150 सवालों में 50 सवाल प्रश्न पत्र में ऐसे दिए जाएंगे जिसका जवाब देने में छात्रों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बता दें कि ये 50 सवाल टफ लेवल के होंगे, लेकिन इन सवालों का सही जवाब देने वाले छात्रों को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं अगर ऐसा होता है कि छात्र इस सवाल के जवाब को गलत दे देते हैं तो उनके 1 अंक काट भी लिए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। बता दें कि 68वीं बीपीएससी परीक्षा में सवाल 125 ही होंगे, लेकिन अगर मार्क्स की बात करें तो अब पीटी की परीक्षा 200 नंबर के किए जाएंगे। आगे होने वाले परीक्षा में 150 सवाल में 50 सवाल ऐसे होंगे जो छात्रों को करने में कठिन लगेगा, लेकिन ये कठिन सवाल हर सेक्शन में पूछे जाएंगे। इसमें उन बच्चों को काफी लाभ होगा जो इस परीक्षा के लिए पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ ही उन छात्रों के लिए ये बहुत गलत होगा जो यह सोचकर परीक्षा देते हैं कि वो तुक्का मारकर इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। बता दें कि हर साल बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों की तादाद में इजाफा होते जा रहा है, क्योंकि बच्चों का मानना है कि यह एक ऐसी नौकरी है जो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब आगे यह देखना होगा कि बीपीएससी ने जो अपने नियम में बदलाव किए हैं वे छात्र और परीक्षा के लिए कितना लाभकारी साबित होता है, और जो जिन बातों को सोचकर ये बदलाव किए गए हैं वो पूरा हो पाता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।